पहले विकेट सूर्य नारायण की और टीम के लिए चौथा विकेट। आप लोग को याद दिलवाना चाहिए, मैं जब खेल देख रहा था पहली पावर प्ले जब चल रहा था, पहली चार ओवर के बाद स्कोर 58-59 रन तक पहुंच चुके थे, 15 करके रन जब बन रहा था। लेकिन आप देखिए 10 ओवर 10.5 ओवर के खेल खत्म हो चुके हैं, रन 95 भाई। अगर नहीं रोक सकते उसी टाइम एंड्रू रसेल और बाद में सुनील नारायण लोग, तो अब रन 150 के ऊपर चल जाने का मुख्य चांसेस था, लेकिन नहीं हुए। पावर प्ले के अंदर 4 ओवर के बाद लास्ट 2 ओवर पावर प्ले के अंदर 5वां ओवर 6वां ओवर अच्छा हुआ था बल्कि गेंदबाज लोग के लिए। अब पावर प्ले के बाद ये सही काम कर रहे हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट। एक ऐसा बातचीत चल रहा था जब उमेश यादव को छोड़ दिए थे केकेआर टीम टैंक टीम, तो उसी टाइम में डिपेंड करना पड़ा जूनियर बॉलर के ऊपर। जब जूनियर बॉलर लोग कामयाब लोग को कामयाबी नहीं मिल रहा था, सुनील नारायण कभी एंड्रू रसेल लोग आते हुए काम कर रहे टीम के लिए। बहुत बढ़िया माहौल बन चुके हैं, कोई बात नहीं, संदेह नहीं रहना चाहिए। आप बॉलिंग चल रहे हैं क्लब हाउस की ओर से, आप इस बार हाईकोर्ट एंड से बल्लेबाजी चल रहे हैं, नए बल्लेबाज आए स्टुअर्ट बिनी, रोजर बिनी के ये लड़का स्टुअर्ट बिनी आए हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में। स्कोर 95, 4 विकेट के नुकसान पर 10-10.5 ओवर ये खेल का खत्म हो चुकी है। लास्ट बॉल इस ओवर की और सुनील नारायण की 30वां ओवर की समाप्ति हुई और 1 विकेट मिला 18 रन देते हुए। पहली ओवर से बल्लेबाज लोग को मिला था सुनील नारायण के पहली ओवर से रन आए थे 10 रन और दूसरे ओवर से आए थे 5 रन 15 और इस ओवर से आए हैं सिर्फ 4 रन, 3 ओवर से 19 रन बनाने में कामयाब हुई सुनील नारायण की ओवर से। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज लोग की कोशिश अच्छा था लेकिन कामयाबी नहीं। 11 ओवर के बाद 96, 4 विकेट के नुकसान पर आउट होते हुए बल्लेबाज पहली बल्लेबाज के रूप में राहुल त्रिपाठी, दूसरा बल्लेबाज के रूप में अजिंक्य रहाणे, तीसरा बल्लेबाज के रूप में जॉस बटलर और चौथा बल्लेबाज के रूप में वापस चल चुके हैं। लास्ट मैन गॉन इज संजू सैमसन। आफ्टर द नेक्स्ट ओवर इज गोइंग टू बी रनिंग सुनील नारायण completed his over. Now the Pijus, not Pijus, is Kuldeep Jadhav, the Chinaman bowler. And I think this is another season for Pijus Kuldeep Jadhav. He got in the first time chance in IPL for Kolkata Knight Riders and then got in the chance for the Indian team. And that is the dream of him. And this it's a huge success for the Fairfield League side is Kolkata Knight Riders. The captain is doing the very good job, excellent job from the behind of the wicket as a wicket keeper. Dinesh Karthik, the man, caught on the stamping wicket, and Kuldeep Jadhav caught on the second wicket, the third wicket for him. He got on Kuldeep Jadhav got on